गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एज वी नो जस्ट वी हैव कंप्लीटेड अवर एक्सरसाइज दैट इज अबाउट 8.1 एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सरसाइज 8.2 लेक्चर नंबर 5। फ्रेंड्स, इन दिस एक्सरसाइज वी हैव टू इवेल्यूट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इट मीन्स एसोसिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड वी हैव टू लाइक दिस एंड वी हैव टू इवेल्यूट द एंटायर वैल्यूज ऑफ गिवन क्वेश्चंस। But friends, before we go to the topic, recall our trigonometric table. Friends, this table you have to keep in your mind. आपको ये टेबल तैयार करना पड़ेगा, जो एंगल्स की वैल्यू दी हुई है, साइन 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू जो है, आपको ये टेबल पूरा याद रखना पड़ेगा। जब भी एग्जाम होगी आप लास्ट पेज पे इस टेबल को ड्रॉ कर दोगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चंस में कभी भी इस वैल्यू की जरूरत पड़ सकती है। ट्राई करना, अदरवाइज मैं एक वीडियो बना लूंगा कि ये टेबल किस तरह से आपको बनाना है। मेरी ट्रिक है, आई विल शेयर विथ यू, बट राइट नाउ आई हैव ऑलरेडी मेड हियर एंड विल यूज इन दिस एक्सरसाइज इन दिस एग्जाम्पल। ओके, सो फ्रेंड्स लुक इट, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन 60, साइन 30, साइन 30 एंड कॉस 60। देयर इज अ मल्टीप्लीकेशन बिटवीन दिस टू रेशियोज एंड हियर ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन एंड बिटवीन दिस टू वी हैव एडिशंस। तो ये जो साइन 60 है उसकी वैल्यू यहाँ से रखेंगे, फिर कॉस 30 की रखेंगे, फिर साइन 30, फिर कॉस 60 की, फिर आप नॉर्मली मैस कर लोगे और सिंप्लीफाई कर दोगे। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। साइन 30 आप देख सकते हैं, साइन 60 की वैल्यू है रूट 3/2। आप टेबल में देख सकते हैं साइन 60 है रूट 3/2 इंटू कॉस 30, देख लीजिए रूट 3/2। ठीक है, साइन 30 आप देख सकते हैं 1/2। ये टेबल फ्रेंड्स आपको याद रखना पड़ेगा, एक वीडियो बनाऊंगा मैं इसके लिए किस तरह से टेबल बनाया जाता है। इसके बाद कॉस 60 1/2। ठीक है, पहले आप मल्टीप्लाई कर लो। चलिए √3 × √3 दैट विल बी 2 एंड 2 × 2 दैट विल बी 4। यहाँ पे भी 1 × 1 बाय 2 × 2 4। अब देखिए एलसीएम इक्वल है तो न्यूमरेटर का एडिशन कर लेते हैं, तो 3 + 1 दैट विल बी 4, 4/4 एंड दैट विल बी 1। फ्रेंड्स, वी आर आस्क्ड टू इवेल्यूट द क्वेश्चंस एंड वी हैव इवेल्यूटेड एंड वी गॉट द आंसर एज अ 1। द सॉल्यूशंस या आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस मस्ट बी 1। किस तरह से जाना है, दैट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे जो जो वैल्यू लिखी पूछी आपको वो टेबल में से आपको वहां से शिफ्ट कर देनी है, फिर वहां पे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है वो इनिशियली बेसिकली जाना है और यू विल हैव आंसर्स। ओके, लुक एट द नेक्स्ट। 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। चलिए तो tan 45 की, देखिए tan² 45 की वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, tan 45 की मिलेगी, फिर उसको स्क्वायर करोगे देन यू विल गेट tan² 45। ये भी सेम, वी विल गेट cos 30 एंड देन वी विल स्क्वायर इट एंड हियर ऑल्सो sin 60 देन वी विल स्क्वायर इट। ओके, so tan 45 look at here 10 and 45 here, so we will get 1. okay, so 2 1 square, 2 ka 2, 10 45 ki value 1 hai aur iske upar square hai to square kar diya, plus cos 30, ye raha cos aur ye hai 30, root 3 by 2 aur uska square, root 3 by 2 ka square kar lijiye, minus साइन 60, ये रहा साइन और ये रहा 60, रूट 3/2 और उसका भी स्क्वायर कर लो। यहां तक समझ में आ गया, इट्स वेरी सिंपल। ओके, नाउ वी गो फॉरवर्ड। 2 × 1² दैट विल बी 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर फ्रेंड्स 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4। कुछ बच्चे रूट 3 का स्क्वायर 9 कर लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स याद रखिए रूट के ऊपर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर और रूट निकल जाता है, खाली नंबर बचता है, वो याद रखिए। तो रूट 3 का स्क्वायर खाली 3 बनेगा। बाजू में आप देख लीजिए रूट 3 का स्क्वायर दैट विल बी 3, 2 का स्क्वायर 4। ओके, अब देखिए दोनों सेम नंबर है और एक दूसरे से ऑपोजिट साइन रखते हैं अपने पास, तो 3/4 प्लस एंड 3/4 माइनस कैंसिल हो गया, सो वी गॉट ओनली 2 एज अ आंसर्स। सो 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 बिकम्स ओनली 2। इजी, वेरी सिंपल।
लुक एट हियर थर्ड, क्या करना है cos 45, देखिए इसमें थर्ड वाले में, ये वाले में थर्ड वाला सॉल्व कर रहा हूं, देखिए cos 45 की वैल्यू कितनी बनेगी, cos 45 दैट विल बी 1/√2, लिख देता हूं, थोड़े मुझे जगह मिल जाए तो ये यहां कर लेता हूं, ठीक है, cos 45 की वैल्यू भूल गया मैं, 1/√2 डिवाइड sec 30, ये रहा sec और ये रहा 30, दैट विल बी 2/√3 प्लस cosec 30, cosec 30 दैट विल बी 2, दैट विल बी 2, ओके, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर का एज इट इज रखते हैं, 1/√2 प्लस 2√3/√3, यहां तक समझ में आया होगा, क्या किया मैंने, सिर्फ एलसीएम लिया है, 1/√2 का 1/√2 रखा, नीचे √3 एलसीएम, तो √3 2 को मल्टीप्लाई करेगा तो 2√3, 2 का 2 नीचे √3 आ गया, है ना, अब उसको उल्टा कर दीजिए, याद रखना यहां से मैं साइड में जा रहा हूं, 1/√2 लिख दिया, अब ये जो डिवीजन है उसको मल्टीप्लीकेशन में लाना है तो इनवर्स हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, राइट, तो ये बन जाएगा √3/2 + 2√3 आर यू गेटिंग मी व्हाट आई वांट टू से, यस, देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फिर डिवीजन फिर न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर, दैट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, सो वेरी सिंपल, लुक एट हियर, 1/√2 देयर इज एंटायर न्यूमरेटर, सो आई हैव रिटन हियर 1/√2 एंड दिस इज सी बिगर डिवीजन, रिमेंबर मैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ये बड़ा वाला डिवीजन था, मैंने उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, तो जब आप डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो उसके नीचे वाला जो रेशियो है वो उल्टा हो जाएगा, तो √3 ऊपर आ जाएगा एंड 2+2√3 नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई आ गया तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, तो √3 × √3 दैट विल बी √3 और नीचे देखिए क्या होगा, √2 (2+2√3, यहां तक समझ में आया होगा, जगह कम पड़ रही है, यस, जगह चाहिए, कोई बात नहीं, मैं ऊपर वाला इरेज कर देता हूं, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं ये रफ कर लेता हूं, ठीक है, ओके, सिंपल है, चलिए अब ये स्टेप को मैं ऊपर ले जा रहा हूं, ये वाला, अब यहां से मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, चलिए √3 का √3 नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 × 2 (2√2) प्लस √2 × 2√3, देखिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, √2 × 2√3 फ्रेंड्स, ये बस ये सिंप्लीफिकेशन में ध्यान रखना है, बाकी यहां से वैल्यू शिफ्ट करना और सॉल्व करना दैट्स वेरी सिंपल, बट थोड़ा सा वर्क आपको यहां पे करना है, कंसंट्रेशन यहां देना है, क्या करना है, देखिए ये √3 का √3 तो हो गया, ऊपर तो एक ही नंबर चल रहा है, नीचे √2 का √2, इसका भी सिंप्लीफाई हो गया, अब देखिए यहां पे मैटर है, 2 और √2 4 मत कर देना, क्योंकि मल्टीप्लाई किसका होता है, अगर रूट में दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो दोनों रूट में होने चाहिए, एक रूट में और एक रूट में नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, याद रखना, तो यहां पे देखिए 2, ये रूट, ये 2 रूट में है और ये 3 रूट में है, तो रूट वालों का मल्टीप्लाई होगा तो 2 का 2 अलग रहेगा, क्योंकि 2 के साथ दूसरा कोई उसका दोस्त नहीं है, उसके जैसे दिखने वाला नहीं है, है ना, ये दोनों टर्म की अगर मैं बात करूं तो इसमें विदाउट स्क्वायर रूट वाला टर्म सिर्फ 2 है, तो मैंने उसको 2 लिख दिया, अब रूट वाले 2 है, √2 and √3 तो √6, ये बन जाएगा 2√6, समझ में आया, ओके, अब देखिए नीचे चलते हैं, √3 का √3 फ्रेंड्स, इसका एडिशन होगा, 2√2 + 2√6 होगा एडिशन, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर आपको सम करना है तो आपका स्क्वायर रूट रूट वाला पार्ट इक्वल होना चाहिए, तो यहां पे आपका √2 चल रहा है, यहां पे √6 चल रहा है, तो इसका एडिशन आगे होगा नहीं, ठीक है, अगर इसको मैं पार्ट बनाऊं √3 × √3 तो भी एडिशन में नहीं आएगा, ये दोनों सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन में होंगे और यहां तो प्लस चल रहा है, तो बस आगे अब आपका कुछ होगा नहीं, ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा,
This is your answers. 2 root 2 plus 2 root 6. Okay. I hope थोड़ा सा समझने वाला था. Numerator, denominator में थोड़ा सा simple math करना था. आपको थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, यू विल गेट इट. अब देखते हैं फोर्थ नंबर में क्या करना है. तो ऊपर वाला मैं रफ कर देता हूं क्योंकि हमें जरूरत पड़ने पर जगह मिल जाए. ठीक है, चलिए. sec 30, sec 30 की वैल्यू sec 30 ये रहा 2/√3. लिख देता हूं 2/√3 प्लस 1045 वन है, चलिए वन, माइनस cosec 60, ये रहा cosec और ये रहा 60, 2/√3 हो गया. बड़ा वाला डिवीजन sec 30 2/√3, ये आ गया 2/√3 प्लस cos 60 1/2, ये आएगा 1/2 प्लस cot 45 वन है. सबकी वैल्यू रख दी, बस एलसीएम लेकर सॉल्व कर. ओके फ्रेंड्स, वैल्यू रख दी. अब इसको नॉर्मली आपको एलसीएम लेकर सॉल्व कर देना है. ठीक है, अब जगह ऊपर ले लेता हूं. चलिए तो वैल्यू देख लेते हैं. साइन 30 एक बार कंफर्म कर लो. साइन 30 दैट इज 1/2. दिस इज नॉट 2/√3, दैट इज 1/2. ओके ओके, फिर 1045 वन, cosec 60 2/√3, यस, sec 30 2/√3, cos 60 1/2, एंड cot 45 दैट इज 1. ओके, एलसीएम ले लेते हैं तो क्या होगा. देखिए 2√3 मेरा एलसीएम रहेगा. क्या बनेगा? 2√3 मेरा एलसीएम रहेगा. 1 के नीचे 2 है, रूट 3 नहीं है, तो रूट 3 मल्टीप्लाई करेगा 1 को, तो 1 × √3 दैट विल बी रूट 3 प्लस ये 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, ना तो 2 है ना तो रूट 3 है, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2√3 दोनों एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो ये बन जाएगा 2√3 इजी. माइनस 2 के नीचे रूट 3 है और मेरा एलसीएम 2√3 है, तो रूट 3 तो हो गया, जो इसके नीचे होता है वो मल्टीप्लाई नहीं करता, तो रूट 3 हो गया, तो कौन नहीं है? 2 नहीं है, तो 2 मल्टीप्लाई करेगा, सो दैट विल बी 4. ओके, नीचे बड़ा वाला डिवीजन, यहां पे भी सेम 2√3 आपका एलसीएम रहेगा, तो 2 के नीचे रूट 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई करेगा, तो दैट विल बी 4. ओके, प्लस ये 1 के नीचे 2 है और 2√3 मेरा एलसीएम है, तो रूट 3 मल्टीप्लाई करेगा, दैट विल बी रूट 3. ठीक है, प्लस अब ये 1 के नीचे दोनों में से एक भी नहीं है, तो दोनों मल्टीप्लाई करेगा, तो 2√3. ओके, ये एलसीएम कैंसिल हो गया. गेटिंग मी? यस, यहां लिख देता हूं. अब देखिए एडिशन लाइक टर्म्स है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लीजिए. देखिए मैंने क्या बोला था, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो रूट वाला पोर्शन इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए रूट 3 है, यहाँ पे भी रूट 3 है, एडिशन होगा 2√3 प्लस रूट 3, 3√3, 2√3 में 1√3 ऐड करो तो 3√3, तो ये होगा 3√3 माइनस 4 बाय, अब देखिए 2√3 प्लस रूट 3, 2√3 में 1√3 डाल दीजिए, 3√3, 4 प्लस 3√3. ओके, अब क्या करेंगे? देखिए जब तक पॉसिबल है तब तक आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करोगे, जो हम पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर. ठीक है, तो यहां पे 4 प्लस 3√3 है, तो मैं 4 माइनस 3√2 से रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो मेरा जो नीचे वाला पोर्शन है डेनोमिनेटर वाला वो रेशनल हो जाएगा, अभी वो रूट में चल रहा है, तो हम वहां तक ट्राई करेंगे. ठीक है, तो चलिए इनटू क्या कर दूं, 4 माइनस 3√3, नीचे क्या होगा, 4 माइनस 3√3 ब्रैकेट कर दो. ठीक है, ओके, अब ऊपर क्या चलेगा, देखिए 3√3 इंटू 4,
मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके तो 3√3 इंटू 4 कितना होगा 12√3, बराबर। ये पहले का पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई, दूसरे का दूसरे के साथ, लेकिन ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 3√3 इंटू 3√3 कितना होगा 3 3 9 9 3 27, ये होगा 27। चलिए माइनस 4 इंटू 4 माइनस 16 और माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3√3 देन 12√3, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये तो क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3√3 का स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर 9, 3 जा 27, ओके। चलिए लाइक लाइक टर्म्स है तो उसका एडिशन कर लीजिए, 12√3 प्लस 12√3 24√3 है ना, और माइनस 27 माइनस 16 कितना होगा 6 13 1 2 4 माइनस 43 बाय 16 माइनस 27 कितना होगा 11 माइनस 11, ओके। अब देखिए तो इसको मैं थोड़ा वेरीफाई करके लिखूं तो माइनस इस तरह से भी लिख सकता हूं मैं 24√3 बाय 11, ये आपका आंसर हो गया। ये लिखो या ये लिखो दोनों राइट है, ये जो डिनोमिनेटर वाला जो माइनस है वो पूरे नंबर को आप लगा सकते हो, तो अगर माइनस मैंने बाहर लिखा तो फिर मैंने ये टर्म को अपनी प्लेस से चेंज कर दिया, जैसे कि मैंने माइनस कॉमन लिया। अब माइनस मल्टीप्लाई करोगे ना तो माइनस 43 एंड माइनस माइनस प्लस 24√3, ठीक है, और ये माइनस 11 भी सेट हो गया। तो फ्रेंड्स दैट इज वेरी सिंपल, ओके ओके फ्रेंड्स, तो ये थी पूरी कहानी जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री थी, इवेल्यूट दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो हमने 4 एग्जाम्पल यहाँ पे किए, ओके बहुत सिंपल थे। इसके पहले आपको ये टेबल आपको याद रखना है, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन तब तक काफ़ी सारी शॉर्टकट ट्रिक्स है ये टेबल्स तैयार करने के, तो आई होप यू विल प्रिपेयर योर सेल्फ। ये टेबल नहीं है तो फिर ये पॉसिबल नहीं बनेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब रेशियो याद रखना आसान नहीं है, इसलिए जहाँ भी आप ट्रिग्नोमेट्री करते हो वहाँ पे बाजू में ये टेबल होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप तुरंत उसमें से वैल्यू देख के आप इसको यूज़ कर सको, ठीक है। तो ये लास्ट वाला था, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो दोनों माइनस निकल जाएंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ओके फ्रेंड्स। तो इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क मी, आइदर यू कैन रिंग मी या यू कैन पुट योर ऑल द क्वेश्चंस इन आवर ग्रुप, ओके। फॉर वाई, थैंक यू।